अभी मेरा जो 2 दिन का यहाँ पर जो टूर था अभी वो कंप्लीट हो रहा है। मैं आ गया हूँ हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन पर। अभी जो मेरी ट्रेन है वो 3:15 पर इधर आने वाली है। और मेरी ये ट्रिप बहुत अच्छी रही। और जो हल्द्वानी रेलवे स्टेशन जो है बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन है, बहुत मतलब साफ़ सुथरा है। और यहाँ पर थोड़ा सा ये है, मैंने देखा है कि कुछ कॉलोनीज वगैरह ऐसी यहाँ पे बसी हुई हैं, स्लम टाइप। बट ये है कि ये मतलब काफ़ी पीसफुल और साफ़ सुथरा, बहुत यहाँ पे छोटा सा रेलवे स्टेशन है। इधर से सारा जितना भी हिल है वो स्टार्ट हो जाता है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, उस पर मेरी गाड़ी आएगी। ये है यहाँ पर अपना स्टेशन के बारे में, जो स्टेशन मास्टर है, हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर से बनी हुई है। बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन स्टेशन है एकदम से, क्योंकि आज तो कल के मुकाबले आज यहाँ पर काफ़ी ठंड भी थी और अभी भी यहाँ पर बहुत ठंडी हवा चल रही है। इधर यहाँ पर अमूल का भी स्टॉल है, अमूल के प्रोडक्ट्स कोई भी यहाँ पर खाने पीने हैं वो इजीली यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये यहाँ से जो है काठ गोदाम से चलती है, काठ गोदाम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और लाल कुआँ यहाँ से 16 किलोमीटर है। और यहाँ पर ये आरके वेटिंग हॉल, अच्छा आरके ने वेटिंग हॉल बनाया है, इस पर वेटिंग के लिए वेटिंग चार्ज एडल्ट ₹10 पर आर, चाइल्ड ₹5। ये वेटिंग हॉल की भी यहाँ पे फैसिलिटी है, नीट एंड क्लीन ये यहाँ पे बना हुआ है। और ये यहाँ पे चाइल्ड हेल्प डेस्क 1098, किसी भी चाइल्ड को, बच्चे को कोई सहायता की कोई ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे चाइल्ड हेल्प डेस्क बना रखा है। ये पहली बार मैंने किसी स्टेशन पे इस तरह की फैसिलिटी देखी है। तो इसका जो अरेंजमेंट है, धरोहर बाल आश्रय के नाम से एनजीओ है, बाल सहायता केंद्र, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मैं पहली बार किसी रेलवे स्टेशन पे इस तरह की फैसिलिटी देख रहा हूँ। तो एक कोई अच्छा ऑल इंडिया है, बट काफ़ी स्टेटों में मैं जाता हूँ, हाँ नहीं देखने को मिला, यहाँ देखा है तो बहुत अच्छा लगा कि बच्चों की सहायता के लिए यहाँ पर इस तरह का वो कर रखा है। थैंक यू वेरी मच। ये स्टेशन पे बहुत ही जो है अमेजिंग जो चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है, बच्चा किसी परिवार से बिछड़ जाता है, किसी तरह का कोई है या किसी को कोई दिक्कत है कोई, तो इस तरीके का यहाँ पे हेल्प डेस्क बना रखा है। अभी हैं तो अब शायद सूर्य देवता ने थोड़ी झलक सी दिखाई है, नहीं सुबह से इतना ज़्यादा फॉग था और ठंड इतनी ज़्यादा थी। अभी यहाँ के मौसम में थोड़ा सा वो हुआ है, हल्द्वानी में बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। ये दिव्यांग जनों हेतु भी यहाँ पर शौचालय बना रखे हैं, वाकई बहुत अमेजिंग यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन है। अभी ये है हल्द्वानी का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है दोनों तरफ। ये इधर से काठ गोदाम है, काठ गोदाम से ये जो है ट्रेन आती है। बढ़िया यहाँ पे मज़ा आया। दो